बिसम अस्सलाम वालेकुम क्या हाल चाल है आप सबके मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ और आज जो है वो आपके लिए बहुत ही आसान बहुत ही मज़े की जो है ना वो रेसिपी लेके आई हूँ पिंक टी की कश्मीरी चाय की और महफ तारीख़ के किचन में आज जो है ना बहुत ही आसान तरीका जो कि आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा वो मैं आपके साथ शेयर करने के लिए जा रही हूँ कश्मीरी चाय का और ये जो कश्मीरी चाय की ये जो रेसिपी है ना ये हमारे दोस्त हैं उन्होंने जो है हमें बताई है और वो कश्मीर से हैं और वो जो है बिल्कुल अथेंटिक रेसिपी जो है ना उन्होंने हमारे साथ शेयर की है जो मैं आप सबके साथ शेयर करने के लिए जा रही हूँ वैसे जितनी भी रेसिपीज़ मैंने देखी पहले ट्राई की वो बहुत ही मुश्किल हैं उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है बहुत ज़्यादा इन्ग्रीडियंट्स यूज़ होते हैं लेकिन ये जो तरीका है ना ये बहुत ही आसान है और ठीक वाला कश्मीरी अथेंटिक तरीका है जो कि कश्मीरी हमें हमारे भाई ने जो है वो बताया है तो आए चलते हैं बनाते हैं इसको तो सबसे पहले जी स्टोव को करते हैं ऑन और जिस भी बर्तन में हमने चाय बनानी है उसको मैंने रख दिया अब जी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ तीन गिलास पानी के और गर्म पानी मैं यूज़ कर रही हूँ अगर आप ठंडा पानी डालें तो आपने जो है ना इसको गर्म होने तक वेट करना है और तीन गिलास पानी के अंदर जो है ना वो मैं ऐड करूँगी जो कश्मीरी चाय की एक पत्ती होती है या पिंक टी की जो पत्ती होती है वो अलग से मिलती है वो डिफरेंट होती है तो ये वाली मैं ले आई थी और मैं आपको दिखाती भी हूँ अभी तो इसके तीन गिलास पानी के अंदर जो है ना वो मैं तीन चम्मच थ्री टेबल स्पून जो है वो इस कश्मीरी चाय की पत्ती के ऐड कर रही हूँ और ये जी एक और दो और तीसरा चम्मच भी जा रहा है इसके अंदर तो ये आपने गर्म पानी जब हो जाए तो उसके अंदर जो है वो ऐड कर देनी है इसके बाद इसके अंदर जो एक और इंग्रेडिएंट जो है वो ऐड होगा वो है जी आ, मीठा सोडा जिसको कि हम बाइकार्बोनेट सोडा भी बोलते हैं तो ये मैं आपको दिखा भी दूँ और ये आपने जो है वो ऐड करना है और ये जो मीठा सोडा है ना ये आपने हाफ़ टी स्पून जो है इसके अंदर ऐड करना है और अब आपने जो है ना इसको इतना पकाना है कि ये जो तीन गिलास जो पानी था ना ये पक्के तो ये आधा गिलास रह जाए और कोई आपने इसको ज़्यादा हिलाना नहीं है और कोई इतनी मेहनत वाला काम नहीं है बस आपने वेट करना है हाई फ्लेम पर इसको इतना पकाना है कि ये देखें ये पक्के तो आधा गिलास जो है वो रह गया है थोड़ा सा टाइम इसमें लगता है और ये देखें जी अब जब आपका आधा गिलास रह जाएगा ना तो आपने क्या करना है आपने इसके अंदर दो गस मज़ीद ठंडे पानी के ऐड करने हैं और फिर इसको इतना पकाना है कि ये जी पक पक्के जो है एक गिलास रह जाए और फिर आपका जो कावा है वो बिल्कुल रेडी है और बहुत ही आसान तरीका है कोई मैंने इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो ऐड नहीं की तो ये मैंने जी जो मज़ीद दो ग्लास ठंडे पानी के डाले थे ये इतना पके हैं कि जी एक गिलास रह गया अब मैं इसको जी छान लूँगी और ये हमारा जो पिंक टी का कावा है ये रेडी है और आप इसको जो है वो फ्रिज में रख लें और जब चाहें आप यूज़ करें तो बहुत ही आसान है इसको बनाना और कोई ज़्यादा स्टेप्स नहीं थी इसको करने के लिए तो ये देखेंगे मैंने छान लिया है और अब मैं बनाने लगी हूँ पिंक टी तो पिंक टी बनाने के लिए मैंने एक पैन के अंदर जो है वो दूध लिया है और इसके अंदर आप अपनी मर्जी से जितनी भी आप ये जो कहवा है पिंक टी का या कश्मीरी चाय का आप ऐड करें और उसके बाद जी बाकी आपकी मर्ज़ी आप चाहें तो आप इसके अंदर इलायची भी ऐड कर सकते हैं आप चाहें तो इसके अंदर जो है वो चीनी ऐड कर सकते हैं और जो सही वाली रेसिपी होती है ना कश्मीरी लोग जो पीते हैं कश्मीरी चाय वो इसके अंदर नमक भी ऐड करते हैं तो ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से पीना पसंद करेंगे और ये देखिए माशाल्लाह से इतना प्यारा कलर आया है और बहुत ही आसानी से बहुत ही मज़े की जो है ना वो पिंक टी हमारी तैयार हो गई है और आपने जो है ना ये कावा बना के तो रख लेना है फ्रिज के अंदर आप एक हफ़्ते तक इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं और बस एक बार जो है ये बनाना होता है थोड़ा सा टाइम लगता है बनाने में और उसके बाद फिर आप जब चाहें पिंक टी जो है वो इंजॉय कर सकते हैं और इसके अंदर जो है आप बादाम पिस्ता वो भी अपनी मर्ज़ी से जो भी आपको पसंद है उसको आप छोटा छोटा जो है वो कट कर लें और वो आप ऐड कर सकते हैं मैंने इसके अंदर जो है वो थोड़े से बादाम ऐड किए हैं तो बाकी इसको कवर करके आपने रखना है और ठंडा करने के बाद आपने जो है वो फ्रिज में रखना है तो होप सो हो आपको आज की मेरी जो है ना वो कश्मीरी चाय की रेसपी महफारी के किचन में पसंद आई होगी और इनशाला तला आपसे आप नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखें और अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें इनशाला तब फिर मिलते हैं खुश रहें हमेशा सबको खुश रखें सब के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें ताकि अल्लाह पाक भी आप सब के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़